हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करना है। जैसे ही कई दफ़ा ये होता है कि हम फोटो तो क्लिक कर लेते हैं लेकिन हमारे फोटो का बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है, जिससे मेरा फोटो बढ़िया से एडिट नहीं हो पाता है। और यदि हम बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं तो हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, जैसे कि साइड में आप फोटो देख सकते हैं। इस फोटो का बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल ब्लर नहीं है, लेकिन मैंने इसको जब बनाया तो ये फोटो कुछ इस तरह से बन गया, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ब्लर हो गया। तो हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस तरह का एडिटिंग सिखाने वाले हैं, वो भी स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह का एडिटिंग वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं RKPS फोटो एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और इस वाले फोटो का बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा डॉल है, बेकार सा लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो को बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल इसको ब्लर करने के लिए आपको ओपन करना है स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को। तो सिंपली मैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को भेज लिया। आपको मैं दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों ट्रिक से आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। पहला ट्रिक है जो उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। पहला ट्रिक में आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जब ब्लर करते हो ना, तो यहाँ साइड साइड में ना एक आपको लाइनिंग सा दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, तो वो भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा जो ट्रिक है ना, उसमें आपको बिल्कुल लाइनिंग सा नहीं दिखेगा, एकदम परफेक्ट आपका फोटो जो है ब्लर होगा, तो मैं सेकंड नंबर पर बताऊँगा आपको। तो सिंपल से आपको मैं पहले पर तो ज़्यादा फोकस आपको करना नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर टूल वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर जो ब्लर का ऑप्शन आ रहा है लेंस ब्लर, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इस तरह से कुछ सर्किल मिलेगा और इसको बीच में रखना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के बीच में। और इस तरह से दोनों उंगली से पकड़कर छोटा करना है और इस तरह से ऊपर जाना है और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का ऑप्शन है इसको कम कर देना है और ऊपर ब्लर स्ट्रेंथ को आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लेना, कितना आप ब्लर करना चाहते हो। तो मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ, 70 या 75 के आसपास रख लेंगे और यहाँ से कर लेंगे राइट। ये करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ऊपर जो ये वाला ऑप्शन है इस पर आपको जाना है, यहाँ पे व्यू एडिट्स जो लिखा है ना, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद लेंस ब्लर वाले एरो पे टैप करना है और यहाँ पे ब्रश पे टैप कर देना है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपने फोटो को इस तरह से जूम कर लेना है और इस तरह से आपको ब्लर करना है, ठीक है। इस तरह से आप पेंट कीजिएगा ना, तो आपका फोटो देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया बैकग्राउंड जो है आपका ब्लर हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं सिंपल, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आप देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ब्लर कर रहे हैं तो सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन यही हम पास में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरे फेस का जो कलर है ना, उसमें चेंज हो जा रहा है। तो ये इतना उतना बढ़िया आपको देखने को भी नहीं, मतलब देखने में भी बेकार लगता है। तो इससे आप ऐसे आप ब्लर मत कीजिएगा, क्योंकि इससे फोटो जो है ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं ये दोनों ट्रिक आपको बता दिया, दोनों ट्रिक से आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये फोटो को बेकार कर देता है, अच्छा दिखता नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो उतना बढ़िया ब्लर होता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी आप अपने फोटो को इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, जो भी मैंने काम किया था इसको मैं पीछे आ जाऊँगा, ठीक है, इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है कि ये वाला टेक्निक अपनाइए, बहुत ही अच्छा आप अपने फोटो को ब्लर कर पाइएगा बिल्कुल HD क्वालिटी में आप अपने फोटो को, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और सबसे पहले आपको यूज़ करना है यहाँ पे हीलिंग जो टूल लिखा है ना, इसको यूज़ कर लेना है। हीलिंग टूल पर टैप करना है और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ से रिमूव कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप चलाइएगा ना, थोड़ा थोड़ा 2-3 स्टेप में आप कर लीजिएगा, इस तरह छोड़ दीजिए, चलाकर आप पेंट करके छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक हीलिंग कर देगा, आपके ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा देगा। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को पहले, जो भी आप फोटो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले हटा दीजिए, वहाँ से हीलिंग कर लीजिए। आप देखते रहिए वीडियो को, मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छा से ब्लर कर पाओगे बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से आपको 2-3 स्टेप में इसको हम फटाफट से कर लिए, ऐसे ही आपको करना है, सेम टू सेम यही करना है काम आपको, इससे आपका बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो हट चुका है, आप चाहे तो इस बैकग्राउंड को सी भी बना सकते हैं, ठीक है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में, आप सी एडिटिंग कैसे करते हो। और यहाँ से कर लेंगे राइट। राइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, यानी आपका जो फोटो है, यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेता है, अब आपको जाना है टूल वाले ऑप्शन पे और सेम वही करना है, लेंस ब्लर पे आपको टैप करना है और इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को पहले ब्लर कर लेना है, ठीक है। ऊपर जाना है और इसको कम कर लेना है और इसके लेंथ को पूरा हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम अपने बैकग्राउंड को सिंपल से पहले ब्लर कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ब्लर हो चुका है बहुत ही अच्छा तरीके से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे जाना है, यहाँ पे डबल एक्सपोजर का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे एड फोटो का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आपको टैप करना है और अपने फोटो को ऐड कर लेना है, फिर से वही फोटो को जिस फोटो को आपने ओपन किया था, तो उसको मैंने फटाफट से ऐड कर लिया। तो कुछ इस तरह से ऐड होगा, आपको अपने हाथ से इससे पकड़ करके इसको एडजस्ट कर लेना है खूब बढ़िया से। बहुत सारा फोटो ऑलरेडी पहले से ही एडजस्ट ही होता है,
लेकिन यहाँ पे एडजस्ट नहीं था, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और इसके ऑपासिटी को फुल कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से फुल कर लेना है और यहाँ से कर लेंगे राइट। राइट करने के बाद आपको फिर से जाना है इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे व्यू एडिट्स पे टैप करना है और यहाँ पे डबल एक्सपोजर जो लिखा है ना इस पे आपको टैप करके ब्रश वाले आइकन पे टैप कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपको नीचे जाना है, यहाँ पे नीचे जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं ना इस पे आपको ये वाला टूल यूज़ कर लेना है और यहाँ पे जो आई का ऑप्शन आ रहा है आँख का इस पे आपको टैप कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को इस तरह जूम करना है और अपने फेस से ना जितना आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका यहाँ पे फोटो दिख रहा है उसको आप इस तरह से पेंट करके, सॉरी इसको हटा देना, इरेज कर देना जो भी यहाँ पे, इस तरह जूम करके खूब बढ़िया से आप बढ़िया से इस तरह से इरेज कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इरेज कर लेना है, मैं कर रहा हूँ जैसे ही, देखो बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ से आपको इरेज करना है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपका बैकग्राउंड इतना बढ़िया ब्लर होगा ना कि मतलब आप क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से इसमें आपको देखिए, इस तरह फोटो को छोटा करके कीजिएगा ना तो ज़्यादा मतलब जगह यहाँ पे लेगा, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि फोटो को जूम करके ही आप कीजिए। पहले आप साइड साइड कर लीजिए खूब बढ़िया से इस तरह से, ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। और ऐसे ही करके आप अपने पहले इसको इरेज कर लिए, मैं इसका इफेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा पहले, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप कितना बढ़िया ब्लर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, देखिए आप कितना अच्छा तरीके से यहाँ से ब्लर हो रहा है। तो फटाफट से मैं कर ले रहा हूँ फिर से वही काम और यहाँ से इस तरह से आपको कर लेना है। और आप देखिए ऐसे कीजिएगा ना तो आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, आप कभी कभार ये होता है ना कि आप इस तरह कर रहे होते हैं इस तरह बाहर सा पेंट हो जाता है, ठीक है। बाहर हो गया आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे हम करें तो क्या करें, तो आपको जाना है यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, दो को एरो आपको दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा, ठीक है, आपको साइड वाला एरो से इसको 100 कर लेना है और इस तरह से पेंट फिर से रिकवर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मिट जाएगा, तो ये चीज़ मैं बता दिया आपको। अब आपको फिर से यहाँ से जीरो कर लेना है और इस तरह से इरेज कर लेना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके कर ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही जेन्युइन तरीका से यहाँ पे कर लिया अपने फटाफट से जो काम करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आइस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना बढ़िया ब्लर हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। इसको भी मैं कर ले रहा हूँ फटाफट से, यहाँ पे जीरो हम कर लेंगे, ठीक है, और जो बाकी रह गया इस तरह से हम इसको हम कर लेंगे, ऐसे ही आपको कर लेना है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपके साइड में कोई आउटलाइन ड्रॉ मतलब वाइट कलर का नहीं दिखेगा और बहुत ही परफेक्ट तरीका से आपका बैकग्राउंड जो है यहाँ से ब्लर हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है ना कि आप जब आप फ़ोटो सेव कीजिएगा ना तो आपका फ़ोटो बिल्कुल HD क्वालिटी में होगा, थोड़ा सा भी यहाँ पर क्वालिटी का लॉस नहीं होने वाला है, मैं आपको सारी चीज़ दिखा दूँगा। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को बहुत ही जेन्युइन तरीका से मैनुअली आप अपने बैकग्राउंड को ही ब्लर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा बैकग्राउंड को ब्लर करने में, ठीक है। बैकग्राउंड को ब्लर हम इसलिए करते हैं ना कि यदि हम बैकग्राउंड ब्लर कर देना तो हमारा फ़ोटो ना काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब फोकस ज़्यादा हमारे फेस पे आता है, जो भी हमारे व्यूअर होते हैं या फिर कहीं पे हम अपने फ़ोटो को पोस्ट करते हैं ना तो वो लोग ज़्यादा फोकस हमारे फेस पे ही करते हैं अगर बैकग्राउंड ब्लर है तो। अगर बैकग्राउंड ब्लर नहीं है तो ज़्यादा फोकस साइड में जाता है और फ़ोटो काफ़ी बढ़िया नहीं लग पाता है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हैं और यहाँ से कर लेंगे राइट। राइट करने के बाद आप लोग डिफरेंट भी दिखा दूंगा मैं, ये देखिए आप लोग मैं डिफरेंट दिखा दे रहा हूँ, ये पहले फ़ोटो है और ये अब का है, ठीक है। आप लोग दोनों फ़ोटो में देख सकते हैं कितना का डिफरेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे पहले का था और ये अब का। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड को बहुत ही जेन्युइन तरीका से ब्लर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोटो को सेव करने वाले हैं, सेव करने के लिए आपको यहाँ पर डन वाला जो ऑप्शन है ना इस पर आपको टैप कर देना है। सो फ्रेंड्स आपका फ़ोटो यहाँ से सेव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, इस तरह से आपका फ़ोटो सिंपल सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं आपको क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ कि आपके फ़ोटो का ना क्वालिटी बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है और आपका बैकग्राउंड काफ़ी परफेक्ट तरीका से यहाँ पे ब्लर भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स मैंने अपने फ़ोटो फाइनली सेव कर लिया और यहाँ पे मैं आपको क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ फ़ोटो का, देखो यहाँ पे क्वालिटी मेरा बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है और बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ब्लर भी हो चुका है। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। आप क्या करना, अगर आप लोग भी फ्री में फ़ोटो एडिटिंग करवाना चाहते हैं वो भी हमसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ जिस ग्रुप में मैं उन्हीं लोगों को ऐड करता हूँ जिनका फ़ोटो एडिट करवाना होता है
और उनका फोटो मैं एडिट करूंगा और आपके फोटो का भी मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डालूंगा। तो फटाफट से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर देना अपना नंबर, ठीक है, मैसेज कर देना, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा और उस नंबर को भी मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस तरह का एडिटिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।